हेलो गाइस, मैं हूं खुशवंत सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो गाइस, अगर आप मेरा यूट्यूब चैनल रेगुलर देखते हैं और आप मेरी यूट्यूब फैमिली से बिलोंग करते हैं तो आपको मेरे इस फैमिली के मेंबर के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, जो कि पिछली फरवरी में हमारे घर पे आया था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बडी की। और बडी है हमारा सबसे अच्छा बडी। इसकी जो ब्रीड है वो है बीगल, और लोग तो इसको शायद डॉग बोलते होंगे, लेकिन इस वक्त ये हमारे घर का मेंबर बन चुका है। तो मैं आपको बता दूं कि इस वक्त ये सबका चहीता है हमारे घर में। और तो गाइज, अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो पुराने हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत थैंक यू कि आप अपना जीवन का कीमती समय निकालकर थोड़ा सा वक्त हमारी फैमिली के साथ में देते हैं। तो जी हाँ, आज हम आपको इंट्रोड्यूस कराएंगे और पुरानी बातें, शुरुआत में ये हमारे घर पे कैसे आया और कब आया, ये सब हम आज आपको बताएंगे बडी की इस कहानी में। तो बडी की जो कहानी है ये दो पार्ट में आपको दिखाई जाएगी। जो बडी था ये बहुत ही प्यारा और नेक बच्चा था हमारे घर का। अभी क्योंकि मैं था इसलिए ही बोल रहा हूँ, क्योंकि ये अब ये बच्चा नहीं रह गया, ये जवान हो चुका है। तो बच्चे से जवानी तक की कहानी इसकी ऐसी थी कि फर्स्ट डे जब इसको हम लेके आए तो इसको रेड रिबन लगा के लेके आए, और जब रेड रिबन लगाने गए थे तो हम गए थे मेरे फ्रेंड के पास में, जो कि बहुत अच्छा गिफ्ट रैपिंग का काम करता है। सो वो है मेरा भाई कपिल। कपिल ने बोला कि इसको ऐसे हम लेके जाएंगे और घर पे, और उसका स्वागत इस तरीके से किया जाए। लेकिन ये इतना नॉटी था कि इसने अपनी टोकरी में से जंप मार के सबसे पहले जाके ये घर के बच्चों से मिला। बच्चों को हमने देना सब सरप्राइज़, इसने दे दिया बच्चों को सरप्राइज़ कि मैं इस घर में आ चुका हूँ और अब तुम इस घर से बाहर निकलो। तो क्या ये इसकी अच्छी बात थी? तो बेस्ट बडी अब आ चुका था बेस्ट बच्चों के पास में, जो कि इस घर के बेस्ट बच्चे थे, उनका बेस्ट फ्रेंड आ चुका था। क्योंकि उनकी एक ख्वाहिश थी कि हमारे घर में अगर कोई पपी होगा तो वो होगा बडी, और बडी जो होगा वो बीगल होगा। और नाम इन्होंने पहले सोचा था और उसकी ब्रीड इन्होंने बाद में सोची थी कि कौन सी ब्रीड का घर पे लाया जाएगा। बट गाइज, इन बच्चों को ये नहीं पता था कि ये इनके नाक में दम करने वाला है, क्योंकि ये वन ऑफ द नॉटीएस्ट ब्रीड है वर्ल्ड की। वैसे तो मुझे ये नहीं पता था कि मैं कभी ब्रीड डॉग को अपने घर पे रखूँगा, लेकिन हमारे बच्चों की ये ख्वाहिश को हम कभी भी इस कदर नकार नहीं सकते थे, क्योंकि बच्चों की पास होने के बाद में ये बहुत ही प्यारी और बहुत ही एक छोटी सी ख्वाहिश थी। तो मैंने बोला कि हाँ चलो, इनको आज एक सरप्राइज़ दिया जाता है। तो जी, जब ये घर पे आया तो आपको ये मैं बताऊं कि हमारे घर पे इससे मिलने वाले मेहमान भी आने वाले थे। जी हाँ, जो कि हमारे बच्चों के फ्रेंड्स थे, बच्चों के भाई थे कज़न, और बच्चों की बहनें थी कज़न। तो ये सब घर पे आने वाले थे, और इसके साथ में एक फ़ोटो सेशन शुरू होने वाला था। तो जी, उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैं जिनकी बात कर रहा हूं ये है मेरी फैमिली। गाइस, जो बंदा कभी नए घर में जाता है पहले थोड़ा सा घबराता है, थोड़ा सा शर्माता है, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि ये वो चीज़ नहीं थी कि जो किसी से घबराने वाली थी या शर्माने वाली थी। इसने तो इरादा कर लिया था कि ये हमारे जूते भी खराब करेगा और ये घर का फर्नीचर भी खराब करने वाला था। तो जी, आगे अब इसकी ज़िंदगी शुरू हो चुकी थी, और हमने भी कबूल कर लिया था कि भाई ये घर पे हमारा मेंबर बन चुका है, और इस घर का सबसे छोटा होने के नाते हम इसको मस्तियों के साथ में हम ज़िंदगी को आगे बढ़ाने लगे। और ऐसे करते करते जब हमने इसकी एक्टिविटीज़ को नोट किया तो ये एक बहुत ही हाइपर एक्टिव बच्चा था, जो कि प्ले के साथ में एक इसकी एक्टिविटी और थी, जो कि इसको घर के अंदर की इंटीरियर की सारी चीज़ें अपने हिसाब से चेंज कर रही थी। जैसे कि हमारे घर की लेडीज़ चेंज करती हैं,
वैसे इसको अपने घर की सारी चीजें चेंज करनी थी अपने दांतों से, तो इसने हमारे इंटीरियर को एक नया लुक दिया, जो कि शायद आप मेरे इस टेबल को देख के अंदाजा लगा लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये है मेरा बड़ा बेटा परमवीर, जो इसको अकेला एक बंदा था जो इसको शांत करके अपनी गोदी में सुला लेता था, नहीं तो इसका सोना बहुत मुश्किल था, और यही एक ऐसा बंदा था जो इसको प्यार से सुला लेता था। तो घर के सारे बंदे इसे प्यार करने लगे थे और ये भी हमें बहुत प्यार करने लगा था, और ये बाहर वालों से भी बहुत प्यार करता था, और इसने अपने दोस्त अपने से बड़े बनाए थे। जी हाँ, जो ये सोचता था वो ये करता था, और बहुत ही प्यार से हर डॉग को ये अपना फ्रेंड बना लेता था, इवन बड़े बंदों को भी ये अपना फ्रेंड बना लेता था। नो डाउट इसकी रनिंग बहुत अच्छी थी और ये बहुत ही एक्टिव ब्रीड है। फ्रेंड्स, मैं आपको इसकी स्टोरी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एक तो इसकी मेमोरीज मेरे डाटा में हमेशा के लिए सेव रह सकें, जब भी मैं चाहूँ या मेरी फैमिली मेंबर चाहें या आप लोग चाहें इस बॉडी को देख सकते हो। ये बॉडी हमारा बॉडी नहीं, सबका बॉडी रहने वाला है। और अब ये इतना एक्टिव हो चुका था कि ये हमारे को पकड़ने में भी बड़ा मुश्किल होता जा रहा था, और हमारे घर का स्ट्रेस बस्टर था ये, और इसके साथ खेलना सबको अच्छा लगता था, और आज भी हम इसके साथ खेलते हैं और ये गुड एनर्जी हमारे साथ में शेयर करता है। तो गाइज, प्लीज अगले पार्ट को देखना ना भूले, हम आपको अगले पार्ट में मिलने वाले हैं, पार्ट 2।